देविक, आप उठ गए? उठ गए? शादी में चलें? जाना है आपको शादी में? शादी में जाना है? बोलो यस, बोलो यस। बस कैमरा देखते ही इसको हाय याद आ जाता है। यस बोलो ना। देविक, आप शो के उठ गए? तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मैक प्राइमर, और उससे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। लगा रही हूँ स्टूडियो मैक स्टूडियो फिक्स अकॉर्डिंग टू माय स्किन टाइप। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे फिंगर से डैप डैप कर कर लगाऊंगी, और फिर बाद में स्पॉन्ज की हेल्प से। मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए लोकल पेंसिल यूज़ करती हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड। और मैं कोई जेल या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं लगा रही हूँ लॉरियल पेरिस का साबेसाची डिज़ाइनर कंसीलर, जो बहुत अच्छा है और न्यू आया है, और मेरे स्किन में एकदम
स्मज हो जाता है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि मैंने कुछ कंसीलर कुछ लगाया है, एकदम नेचुरल लुक देता है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ के बिल्कुल एजेस पर कंसीलर लगाऊंगी, सो दैट आईब्रोज़ जो हैं वो उभर कर आएँ ऐसे। मैं कंसीलर को इस स्पॉन्ज की वजह की हेल्प से डैप करूँगी ताकि ये इसका फ्रंट पोर्शन जो है वो फ्लैट है, जिससे आईज़ और अंडर आईज़ आईब्रोज़ ये एरिया जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है विदाउट एनी हैसल। इसके बाद मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, मैक का ही है ये, और मैं इसे अपने अंडर आईज़ और आईज़ एरिया में लगा रही हूँ ताकि कंसीलर जो है उसकी क्रीज ना बने और वो अच्छे से सेट हो जाए और आई शेडो भी बहुत अच्छे से फिर उभर कर आता है, इसलिए बाद में आप इसे डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं। मैक आई शेडो पैलेट में से मैं ये शेड ले रही हूँ।
अच्छी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, उसी से आई शेडो जो है वो बिल्कुल ये स्मोकी लुक बहुत अच्छे से आती है। तो ब्लेंडिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। तो अब मैं लगाऊंगी मैक हाइलाइटर वैनिला शेड ऑन माय अपर आईलेट्स, ऑन माय चीक्स, ऑन माय नोज, चिन। ब्रश की हेल्प से फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं लगा रही हूँ फेसेस का पीच कलर ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन को हमेशा स्माइल करते हुए लगाइए, उससे ये बहुत अच्छे से फिक्स होता है हमारे फेस पर और बहुत ही नेचुरल लुक देता है। क्योंकि मेरा आउटफिट जो है वो रेड कलर का है, तो मैं बहुत ही लाइट ब्लश ऑन लगा रही हूँ ताकि वो डार्क ना, मेकअप डार्क ना लगे, इसलिए क्योंकि रेड कलर फेस पर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मैं लाइट ही लगा रही हूँ। लाइट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। लॉरियल पेरिस आईलाइनर एंड जेल काजल, जो कि सब्यसाची डिज़ाइनर है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डार्क लुक देता है। तो जो लोग जानना चाहते थे कि मैं कौन सा काजल यूज़ करती हूँ, सो आई यूज़ दिस वन नाउ। एंड मैं लॉरियल का मैजिक बोल्ड पेंसिल काजल भी यूज़ करती हूँ, तो आई यूज़ दीज टू ब्रांड्स।
how my eyes are looking now. अब मैं लगा रही हूँ POV का मस्कारा, और मस्कारे को ऊपर से एक एप्लीकेशन के बाद आप पहले ऊपर की तरफ लेफ्ट में ले जाइए एंड देन राइट में ले जाइए, वाइस वर्सा आप लगाएंगे तो आपको फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे हमारी आईलैशेस जो हैं वो फैल जाती हैं और बहुत ही नेचुरल लुक आता है। देखिए लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट एंड राइट ऊपर की तरफ कर लगाना है। कर रही हूँ एवॉन का रेड कलर लिप लाइनर। लाइनर लगाते वक्त हमेशा अपर लिप पर अपने लिप्स की शेप को ही फॉलो कीजिए, और अगर लिप्स की शेप ठीक नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी लिप लाइनर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 रेड कलर लिपस्टिक, विच इज़ वेरी गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग। लिपस्टिक लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपको लिपस्टिक को लिप लाइनर के अंदर ही रखना है, उसके ऊपर नहीं लगाना है, और बिल्कुल अंदर रखना है, बोथ फॉर द अपर एंड लोअर लिप। अब कंप्लीट हो गया है तो अब पहन लेते हैं ड्रेस और लगा लेते हैं बिंदी झुमके ज्वेलरी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होकर। मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मैंने गले में कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, क्योंकि सूट का जो नेक है वो, ये देखें दिखाती हूँ आपको, सूट का जो नेक है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए मैंने ये नहीं पहना है, कोई ज्वेलरी गले में नहीं डाली है। मेकअप कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मैंने ये रेड सूट पहना है तो विद पटियाला सलवार, तो अभी आपको दिखाती हूँ फुल लुक, वेट अ मोमेंट। So this is how I'm looking. बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हूँ। हैप्पी वेडिंग सीजन इट्स हेयर। आपको इस वेडिंग सीजन में आप कौन से मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, सो दैट आई कैन क्रिएट देम फॉर यू। और आपको ये आज का मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ देखते रहिए इंडियन ब्लॉगर सुनीता। हैव अ हैप्पी वेडिंग सीजन अहेड एंड एंजॉय वेडिंग्स, हैव फूड एंड हैव फन। कीप वॉचिंग इंडियन ब्लॉगर सुनीता एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू, बाय बाय।